Hi guys, namaste and welcome once again to Dancer Deepthi. Thank you so much for all the love and support. आज का वर्कआउट है बहुत ही हाईली रिक्वेस्टेड वर्कआउट यानी फ्लैट बेली वर्कआउट, लेकिन आज का थोड़ा स्पेशल है बिकॉज जो एक्सरसाइजेज मैंने आज इंक्लूड करी हैं वो एक्सरसाइजेज बहुत ही सेफ हैं. आप इन्हें कभी भी कर सकते हैं, कितनी भी बार कर सकते हैं. और जिन लोगों को पोस्टपार्टम बेली रिडक्शन करना है यानी जो पोस्ट प्रेगनेंसी बेली को कम करना चाहते हैं या जिनके बैक प्रॉब्लम्स हैं, नी प्रॉब्लम्स हैं, वो भी इन एक्सरसाइजेस को बहुत ही सेफली कर सकते हैं. ये एक्सरसाइजेस डायस्टेसिस रेक्टाई के लिए भी काम आते हैं, यानी अगर पोस्ट प्रेगनेंसी आपके एब्स में गैप आ गया है तो भी आप इन एक्सरसाइजेस को यूज़ करके उसे कम कर सकते हैं. आई एम श्योर आप सभी ने बहुत सारे फ्लैट बेली चैलेंजेस कर रखे हैं लेकिन उसके बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिला. तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि हम क्या गलत कर रहे हैं. जब हम फ्लैट बेली की बात करते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती हैं. एक, हमें डील करना है बेली के फैट से जो कि बर्न होता है कार्डियो वर्कआउट से. मेरे चैनल पे बहुत सारे आपको कार्डियो वर्कआउट्स मिल जाएंगे, तो आप इनमें से कोई भी वर्कआउट कीजिए. ये आपके फुल बॉडी फैट को बर्न करने में हेल्प करता है जिससे आपका बेली फैट भी बर्न होता है. दूसरा होता है बेली के मसल्स. बेली के मसल्स को एब्स भी कहा जाता है. तो जितनी भी आप फ्लोर एक्सरसाइजेस करते हैं वो ज़्यादातर फ्लोर एक्सरसाइजेस आपकी मसल्स पे काम करती हैं यानी आपकी मसल्स को टोन करती हैं और उन्हें स्ट्रॉन्ग करती हैं, लेकिन उनसे बेली फैट बर्न नहीं होता. तो बेस्ट रिजल्ट्स के लिए हमें करना है कॉम्बिनेशन वर्कआउट जिसमें आप करेंगे एटलीस्ट 30 मिनट्स का कार्डियो वर्कआउट जो आपके बेली फैट को बर्न करने में हेल्प करेगा, और दूसरा आप करेंगे ये फ्लोर एक्सरसाइजेस जो कि आपके एब्स को टोन करने में हेल्प करेंगी. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. सजदे में यूं ही झुकता हूँ, तुम पे ही आके रुकता हूँ. क्या ये सबको होता है, हमको क्या लेना है सबसे, तुमसे ही सब बातें अब से बन गए हो तुम मेरी दुआ. सजदे में यूं ही झुकता हूँ, तुम पे ही आके रुकता हूँ. क्या ये सबको होता है, हमको क्या लेना है सबसे, तुमसे ही सब बातें अब से बन गए हो तुम मेरी दुआ. खुदा जाने के मैं फिदा हूँ, खुदा जाने मैं मिट गया, खुदा बन गए हो तुम मेरे खुदा. तुमसे दिल की बातें सीखी, तुमसे ही ये राहें सीखी, तुम पे मर के मैं तो जी गया. खुदा जाने के मैं फिदा हूँ, खुदा जाने मैं मिट गया, खुदा बन गए हो तुम मेरे खुदा. गूंजी सी है सारी फिजा जैसे
जैसे बजती हो शहनाइयां, लहराती है महकी हवा, गुनगुनाती है तन्हाइयां, सब गाते हैं सब ही मदहोश है, हम तुम क्यों खामोश है, वो भीगी भीगी यादें, वो भीगी भीगी यादें। ना मैं जानू कैसा है ये मौसम, कोई ना जाने कहीं से ये खिजा आई, गमों की धूप संग लाई, खपा हो साते, वो भीगी भीगी यादें, वो भीगी भीगी यादें। Oh,
मेरा प्यार सहराओं की इन हवाओं में कैसे आएगी बाहर कहां से ये हवा आई घटाए खाली क्यों चाई खफा हो गए हम साते वो भीगी भीगी यादें वो भीगी भीगी यादें आई होप आपको आज का रूटीन पसंद आया शेयर करना ना भूलें सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको सीखना है कि अपने एप्स को कैसे एंगेज करना है तो अभी नेक्स्ट सेगमेंट में हम वो कवर करेंगे टिल देन बाय अपनी एप्स को एंगेज करने के लिए आप अपनी बेली की मसल्स को अंदर की तरफ पुल करेंगे आप फिर से सांस छोड़ें और फिर से सांस लेते वक्त बेली की मसल्स को पीछे की तरफ पुल करें और फिर आप सांस छोड़ दीजिए लेकिन मसल्स को होल्ड करे रखिए तो आप ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं लेकिन मसल्स एंगेज रहेंगी